का भी जो है सर 1.5-2 करोड़ रुपये एस्टिमेट बना उसको रेनोवेट कर, तो वो भी आ जाता, वो आ जाता, तो वो आ गया बोले तो वो बिल्डिंग भी अपने को मिल जाती। तो अपन वहाँ पे जो एक प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल है, हाई स्कूल है प्राइमरी जो है, हाँ, तो वो मेरा इरादा ये है वो दोनों को नई बिल्डिंग जो बनाए ना हाँ ग्राउंड वहाँ पर शिफ्ट कर देगी पूरी बिल्डिंग को कॉलेज को लेंगे, लेके फिर मेरा इरादा ये ऊपर 2 फ्लैट लेके डिग्री कॉलेज भी लेंगे। बहुत अच्छा है, यहाँ पे पूरा तालीम का जो है KG से PG तक हो जाता हमारे, वो इरादा है। क्योंकि यहाँ के मिजाज के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, यहीं पे अगर डिग्री दे रहा तो यहाँ के लोग पढ़ा भी लेते बच्चों, अगर यहाँ से ज़रा हट के जाना रहा बोले तो नहीं, तो उस वक्त मेरा इरादा है अपन उसको करेंगे। अपन गए थे और एस्टिमेट बनाए थे, वो एस्टिमेट हो गया, मंजूर हो गया, तो बहुत ही काम शुरू हो जाता है, पूरी बिल्डिंग अपने को बेहतरीन है, ज़बरदस्त हो जाती है। मंगल में फर्स्ट आ रहे थे लगा उसके तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी मॉडल भी आए थे, वो पैसे भी रैंक तेलंगाना स्टेट में रैंक भी होती वो डायलिसिस सेंटर भी आ जा रहे हैं, हाँ हॉस्पिटल 5 मशीनें के साथ नीचे ग्राउंड फ्लोर, तो यहाँ मैं देखता हूँ यहाँ से बहुत पेशेंट्स आते हैं, आता है जब से आ रहे थे बच्चे पानी से क्या है, या फिर बिना मर भी गया था अच्छा वही मैं देखो उसके बाद से ज़्यादा सही बन रहा है वही जेल उसका सिर्फ रेनोवेट करवा रहा लेकिन बहुत ख़राब हो गया रेनोवेशन का 1.5 करोड़ रुपये फिर ऊपर 1 या 2 स्लैब डालना होगा। मेरा मकसद ये है कि उसको जूनियर एंड डिग्री कॉलेज कैंपस बनाएंगे, वहाँ से जो ग्राउंड के पीछे जो बिल्डिंग बनी है एक बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पे स्कूल को ये शिफ्ट कर देंगे, इधर जितने हैं ना सिर्फ वो ग्राउंड फ्लोर के 6-8 रूम यूज़ कर रहे हो लोग, बाकी पूरा खाली है वही, तो ये इधर इधर पूरा ले ले सकते, ले लेवा तो बड़ी बिल्डिंग हो जाती है, वो हो गया तो वो पूरी बिल्डिंग जूनियर एंड डिग्री कॉलेज कर लेते हैं, उसके लैंड भी है सर वो बिल्डिंग के पास, अच्छा हो जाता है, सही है ना वही सेपरेट बिल्डिंग हो जाती है। सर हमेशा कुछ बताओ कुछ कुछ का क्या ना, मैं तो बोलते रहता हूँ ना, हमारे MLA हैं तो 14,500 बच्चे भी पढ़ रहे हैं फ्री और जितना काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ 20% भी अगर आदमी को ला लिए कहीं सामने तो जब बात करता हूँ बोलता हूँ सलाना में भी बनते हैं, एक दिन आना आप लाइट देख की मीटिंग रखो बनाए बताना है, बाद में बात करो तुम्हारे बाद में बात करो बाद में बात करो इसको ये बोल के सुना है यार काम चालूंगा वो माता का लाल अपन वही मुलाकात तामीर हो गया जाए स्लैब डाल रहे हैं ना बाप कल परसों में स्लैब कर रहा सबसे मुलाकात है हेलो भाई आप जो भेजा है फिर वही भेजा है मेरे को मैं इब्तदाई डाल के भेजा होगा ना ब्रांच ऑफिस बनाना भाई उर्दू में आप इब्तदाई लिखो भाई दफ्तर इब्तदाई को नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भवानी नगर ऐसा लिखना ब्रांच ऑफिस कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल ब्रांच ऑफिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भवानी नगर ज़रूर हिंदी भी नहीं सही वहाँ यहाँ बन रहा है पूरा बन रहा कितना बिल्टअप एरिया आ रहा है 45,000 फ्री रहेगा फिर वो हमेशा इसके लिए सबको वही जिक्र करते रहते हैं उसमें कुछ बड़ा करना है और फिर मैं उसमें बच्चों को सेपरेट करें ना अपन कौन सी थर्ड एक ब्लॉक जो है ना एक ब्लॉक बच्चों को और बच्चों को मिला कितने बाद से अलग ही पूरा सेपरेट है बिल्कुल अलग बिल्कुल एंट्रेंस अलग उनके हर इधर से उधर नहीं हो सकते उधर से इधर नहीं तो बच्चे अलग बच्चे फिफ्थ क्लास के बाद में बच्चे अलग बच्चे
मैं ले रहा हूँ आप कह के आपसे मिलने जरूर एक फोटो ले लेते लेंगे फोटो मैं भी लेने का वही बैठने दो साहब आ रहे भाई 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 बैठो बैठो सालेचा को बुलाओ जी सालेचा को बुलाओ सलीम इधर सवाल है मेरी जिम्मेदारी में करा दूँ वादा है मेरा मैं करा हाँ भाई बैठ रहे बैठने दो इधर बैठो खुला बैठो अच्छा बैठो चेस पे बैठो बैठो आप लोग तमाम बैठ जाइए भाई MLA साहब आपसे डायरेक्ट बात करते हैं आप लोग बैठ जाइए बैठ जाओ आप लोग फिर एक तस्वीर आप लोगों के साथ पूरों के साथ है आप लोग जरा तस्वीर रख लो आप लोग जरा कुर्सियों पे बैठ जाओ भाई यहाँ जो भाई है कुर्सियों पे आ जाओ भाई खाने हो तुम खाने हो बोलना
आपके गेट निकाले बने और मैं लाभी ये सब पैसा भी दे रहा हूँ।